आज हम बनाएंगे रंगा आलू दूध पुली। रंगा आलू मतलब स्वीट पोटेटो, हिंदी में इसे कहते हैं शकरकंदी। तो शकरकंदी का दूध पुली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शकरकंदी के दूध पुली के लिए हमने ले लिए 1 कप उबले हुए बॉइल्ड रंगा आलू या शकरकंदी या स्वीट पोटेटो, जो भी आप बुलाते हो इसे। ये है बॉइल्ड स्वीट पोटेटो, जिसको हम पील करके भी रख लिए हैं। 1 कप बॉइल्ड स्वीट पोटेटो, इसको हम पहले मैश करेंगे। अच्छे से इसको हम मैश करेंगे। शकरकंदी को हमने अच्छे से मैश कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा बंगाली में इसे गुड़ी कहते हैं। 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 कप बॉइल्ड मैश स्वीट पोटेटो, साथ में 2 टेबलस्पून चावल का आटा, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। अब हाफ से 1 टेबलस्पून, बहुत ज्यादा नहीं है, हाफ से 1 टेबलस्पून मैदा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप स्वीट पोटैटो को बॉईल कर रहे हैं, बॉईल हो जाने के तुरंत बाद उसे गर्म पानी से उठा लीजिएगा, नहीं तो वो पानी सोक करके सौगी बन जाएगा। अब इसे हम एक डो बना लेंगे। जैसे हम डो बनाते हैं ऐसे एक डो बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे अच्छे से मिक्स करके एक डो बनाएंगे। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज कर सकते। यूज करें तो बहुत ही कम, जिसे कहते हैं ना 1 पिंच या 1 चुटकी, ऐसे थोड़ा सा सॉल्ट यूज करके अच्छे से इसको डो बना लीजिए। देखिए एक बढ़िया सा डो बन चुका है। अगर आपको लग रहा है आपका डो नहीं बन रहा है और ये स्टिकी लग रहा है, तो और 1 टेबलस्पून मैदा आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा छोटे छोटे गोले बना ले लेंगे। उसको जैसे हम कचौड़ी या स्टफिंग कुछ भी बनाते हैं ना, जैसे बनाते हैं ऐसे इसकी कटोरी बना लेंगे। और इसमें हम डाल रहे हैं, ये हमारे पास खोआ है, होममेड खोआ। अब इसके जगह पे नाड़ू, नारियल का नाड़ू भी डाल सकते हैं, नारियल खोआ से और शुगर मिला के भी डाल सकते हैं, वो आपका मर्जी। अब बाजार से जो मिल्क केक मिलते हैं वो भी आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिए, अब इसे हम बंद कर देंगे। और एक स्मूथ सा पुली बना लेंगे, इसे पुली कहते हैं। तो एक स्मूथ सा पूरी ऐसे बना लेंगे, ऐसे हम हमारे सारे डो को ऐसे बना लेंगे। मैं और एक बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा स्वीट पोटैटो का डो ले लीजिए, उसे सर्किल करके एकदम गोल बना के नीचे थोड़ा सा जगह बना लीजिए अंदर। फिर उसके अंदर मैं डाल रही हूँ खोया या मावा, ये होममेड मावा है। इसका वीडियो भी मैंने शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप चाहे तो नारियल के नाड़ू का पूर भी डाल सकते हैं या मिल्कमेड भी डाल सकते हैं, सॉरी मिल्कमेड नहीं, मिल्क केक भी आप डाल सकते हैं। और ऐसे बना लीजिए, इसको आप अपना किसी भी शेप दे सकते हैं, ऐसे सर्कल शेप भी दे सकते हैं, लट्टू की तरह शेप भी दे सकते हैं, कैसे भी। तो मेरे सारे बना लिए, अब हम दूध चढ़ाते हैं। हम दूध को बॉईल करके रिड्यूस कर लिए हैं। 1 लीटर दूध लिए थे, अब ये रिड्यूस होके 0.5 लीटर हो चुका है, मतलब 50% हमने इसे रिड्यूस कर लिए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो स्वीट पोटैटो को पुली हमने बनाए थे वो डाल देंगे। सारे स्वीट पोटैटो की पुली हम इसके अंदर डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको
लो मीडियम हीट में बॉईल करेंगे। ये 5 मिनट बॉईल हो चुका है। अब एक बोल में हमने 1 टेबलस्पून दूध ले लिए हैं। इसमें हम यूज करेंगे 1 टीस्पून ये जो हमारे चावल का आटा है वो मिला लेंगे। 1 टेबलस्पून दूध में 1 टीस्पून 1 टीस्पून चावल का आटा हमने गोल लिए। अब ये जो मिक्सर है ये हम ये दूध पे डाल देंगे। इससे दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और क्रीमी हो जाएगा। बस इसे और 1-2 मिनट हम बॉईल करेंगे। उसके बाद हम चीनी या गुड़ डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर 2 टेबलस्पून शुगर और साथ ही डालेंगे गुड़। ये हमने लिया पाम डेट्स का जो जगेड़ी आता है डेट्स जगेड़ी खजूर का गुड़ ये हमने ले लिए। ये भी वो 2 टेबलस्पून के करीब हमने लिए हैं। तो 2 टेबलस्पून हमने चीनी मिलाया और 2 टेबलस्पून हमने जो डेट्स का जगेड़ी आता है खजूर का गुड़ वो मिलाया। आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर सकते हैं या आप चीनी पूरा के पूरा स्किप करके और थोड़ा सा गुड़ 1-2 टेबलस्पून और गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब चीनी गुड़ सब घुल चुका है। अब हम गैस ऑफ कर रहे हैं और हमारा दूध पुली रेडी हो गया। इसे रूम टेम्परेचर में आने दीजिए उसके बाद सर्व कीजिए। स्वीट पोटैटो का दूध पुली या शकरकंदी के दूध पुली बिल्कुल रेडी टू सर्व है। ये रूम टेम्परेचर में सबसे अच्छा टेस्ट करता है। तो घर पे बनाइए और टेस्ट कीजिए शकरकंदी का दूध पुली या रंगालूर दूध पुली या स्वीट पोटैटो दूध पुली।